नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। भवानी खेड़ा कस्बे के शहीद गुलाब सिंह पार्क में आज इनेलो कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे इनेलो विधायक रमेश खटक का कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं इनेलो पूर्व विधायक रमेश खटक ने शहीद गुलाब सिंह प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। इस बीच कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली 9 दिसंबर को समस्त हरियाणा रैली का जींद में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नई पार्टी का गठन किया जाएगा और पार्टी को लेकर निशान की भी घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत चौटाला की हवा है, जिसको लेकर आज पार्टियों में इनेलो के साथ जुड़ने को लेकर होड़ मची है। इस बीच 9 दिसंबर को जींद में होने वाली इस रैली में कार्यकर्ताओं ने भी संख्या में पहुंचने की अपनी सहमति जताई और आश्वासन दिया। इस आयोजन के मौके पर पहुंचे इनेलो पूर्व विधायक रमेश खटक ने बताया कि 9 दिसंबर को जींद में होने वाली समस्त हरियाणा रैली को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि चौधरी देवीलाल ने भी अपना संघर्ष जींद से ही शुरू किया था, जिससे कि उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए जींद में इस रैली का आयोजन किया जाए। भारी संख्या में जनता पहुंचकर अपना आशीर्वाद देगी। दुष्यंत चौटाला को लेकर जनता और युवाओं में जोश है और इस रैली के आयोजन अवसर पर अजय चौटाला द्वारा नई पार्टी के नाम की भी घोषणा की जाएगी। शक्ति प्रदर्शन सवाल के जवाब को लेकर पूर्व विधायक रमेश खटक ने बताया कि हमारी शक्ति तो लोगों के साथ है, जिससे कि भारी संख्या में पहुंचने को लेकर युवाओं और जनता में जोश है दुष्यंत को लेकर जो होने जा रही है। तो इसी प्रकार पार्टी के जो कदावर नेता हैं तो सभी की ड्यूटी सारे हरियाणा के अंदर लगा रखी हो और सारे इस मेन मकसद को लेकर के चले हुए और लोगों में, जैसे चौधरी देवीलाल के समय में, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने भी अपना जो संघर्ष है वो जींद से शुरू किया था, तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज भाई अजय सिंह चौटाला के अनुसार और भाई दुष्यंत दिग्विजय के आदेशानुसार आज जनता आज उनको चाहती है और भारी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज जींद के अंदर पहुंच करके भाई दुष्यंत को अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। यही मैं निमंत्रण लेकर के भिवानी जिले के लोगों के बीच में आया हूं और जैसे ही मैं भिवानी जिले में हर हल्का वाइज मैं अपनी मीटिंग लेता हुआ चलें, फिर गांव-गांव जा करके मैं मीटिंग लेने का काम करूंगा। और जैसे ही मैंने मीटिंग ली है तो लोगों में जोश है, 36 कौम के अंदर जोश है और केवल एक ही आवाज़ है कि आने वाला सीएम दुष्यंत चौटाला होगा, यही लोगों की इच्छा है। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।